लिखो, थिन फिल्म इंटरफेरेंस फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। अभी अपन ने जो थिन फिल्म ली थी ना, फिर से ले लेते हो उस थिन फिल्म को। ये उसकी विड्थ कितनी ली थी? एक्स, विच इज वेरी स्मॉल। अभी हमने सिंपल वाला केस पढ़ा था। अभी हम क्या कर रहे थे, नॉर्मली इंसिडेंस करवाई थी हमने लाइट। अब हम क्या करते हैं, किसी एंगल पे डाल देते हैं लाइट को। जरूरी थोड़ी ना कि मैं भाई नॉर्मली डालूं, इसको हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड करते। तो अब मैं लाइट को क्या कर रहा हूँ, किसी एंगल आई पे इंसिडेंट करा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो भाई क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। किस एंगल पे होगा? आई पे ही होगा। इसको अपने साइड टू बोला था, अभी भी टू बोल देते। वन वाली किसको बोला था अपन ने? वन इसको बोला था जो रिफ्रैक्ट होगी। इसका एंगल क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है, इसका एंगल आर हो गया। इसको क्या बोल देते हैं? टू। ठीक है, हाँ वन बोल देते हैं इसको, वन। ये वाली तुम्हारी कौन सी है? वन। अब फिर क्या होगा भाई इसके साथ? फिर रिफ्लेक्ट होगी ये, और कुछ ट्रांसमिट हो रही होगी। इस वाले को मेरे ख्याल से रिफ्लेक्ट 1, 2, 3, और इसको 4 बोला था शायद, है ना? इसको 4 बोला था हमने, तो अभी 4 बोल देते इसको। तो ये आर एंगल पे, यहाँ पर भी आर एंगल रहेगा, यहाँ पर भी आर एंगल रहेगा। और जब इंसिडेंट करेगी तो अगेन आर एंगल पे करेगी, और बाहर निकलेगी फिर किस एंगल पे निकलेगी? आई। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये एंगल अगेन क्या हो जाएगा तुम्हारा? आई। मतलब ये दोनों 2 और 5 कैसी निकलेंगी तुम्हारी? बिल्कुल 2 और 5 तुम्हारी पैरेलल निकलेंगी। सेम जो करा था वो यहाँ पे करा है, बस एंगल पे करा है इस बार। इस बार स्नेल्स लॉ वगैरह फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो हम देखेंगे अब ये 2 और 5 इंटरफियर करेंगे, है ना? तो इस 2 और 5 में किस तरह का इंटरफेरेंस होगा हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ठीक है, अब 2 और 5 में इंटरफेरेंस निकालना है। तो देखो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हुई, पहले ही यहीं पे लिख दो कि जब ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे एक फेज डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ये वाला रिफ्लेक्शन क्या है, रेयरर टू डेंसर वाला है। तो ये भूलना नहीं है कभी, यहाँ पे एक फेज डिफरेंस ऑलरेडी आ गया है, जिसको हम पाई बोलेंगे या फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 बोलेंगे। सारी चीज़ें कंसिडर करनी है ना। अब तो एक तो ये हो गया। अब देखो इस लाइट ने कितना, फिफ्थ वाली ने सेकेंड से कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, और सिर्फ इतना ही नहीं ये भी करा है। कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है इसने? एक तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रैवल कर ली थी, और फिर ये इतना एक्स्ट्रा करिए। मतलब ये वाला डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा सेकंड वाली ने ट्रैवल करा है, और ये वाला डिस्टेंस फिफ्थ वाली ने ट्रैवल करा है। तो दोनों निकालने पड़ेंगे हमको। तो सबसे पहले ये वाला निकालते हैं। क्या हुआ, क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है ना, ऐसे लिखता है ना। चलो ठीक है ना, अभी अभी देख लो पहले अच्छे से ना। ठीक है, तो अब मुझे पहले तो ये वाला डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, फिफ्थ वाले ने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है ना। अभी सही है? तो फिफ्थ वाला भाई बताओ, ये वाला, ये अगर एक्स है, ये लेंथ अगर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स सेकार, एक्स सेकार ये चला, और एक्स सेकार ये चला, यही होगा। तो भाई इस वाले ने कितना चला है? 2x sec r। बड़ा बना के बता दूं क्या? मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत बड़ा चाहिए होगा। लो, ये एक्स है, ये लाइट ऐसे आई आर एंगल पे, ये लाइट आर एंगल, ये आर एंगल। अगर ये एक्स है तो ये एक्स वाई कॉस आर होगा ना, और ये भी एक्स वाई कॉस आर होगा, और ये फिर आई पे जा रही है फाइनली। तो ये भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाला भी निकालना है तुम्हें। तो ये तो 2x by cos r, मतलब 2x sec r हो गया वाला डिस्टेंस। तो ठीक है, चलो अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसको भी तो निकालना है ना। तो ये वाला डिस्टेंस अगर x sec r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? x नहीं, ये x है, हाँ ये कितना होगा? x tan r होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा होगा x tan r, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा फिर? x tan r। ठीक है, चलो अब ये परपेंडिकुलर डाल रखा है तुमने ये, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, अब ये एंगल और निकालना पड़ेगा ना।
ये एंगल क्या है तुम्हारा? 90 माइनस आर कैसे बोल रहे हो? आई है, हाँ 90 माइनस आर आई है, ये एंगल आई है ना, ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? 90 माइनस आई, और ये इसका कॉस 90 माइनस आई आ जाएगा ना। मतलब इस डिस्टेंस को अगर कुछ नाम दे दूँ मैं, कुछ भी बोलते, इसको ए बोल देते, इसको बी बोल देते हैं, तो ए भी तुम्हारा आ कितना रहा है, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 2x tan r, ये समझ में आ रहा है, और इसका cos ऑफ 90 माइनस आई, ये देख लो किसी को अगर डाउट है तो। ये ए बी डिस्टेंस यही होगा ना, ये एंगल आई है, ये वाला एंगल 90 माइनस आई है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो cos ऑफ 90 माइनस आई करेंगे, और ये डिस्टेंस x tan r, x tan r 2x tan r है। नहीं आया समझ में तो अभी पूछ लो, ठीक है? चलो तो अब इसमें से x2, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा किसने ट्रैवल करा है? 2 वाले ने, और ये वाला डिस्टेंस किसने करा था? 5 वाले में, तो 5 में से 2 वाले को माइनस करेंगे, तो 2x sec r माइनस, इसको सॉल्व वॉल्व कर सकते हैं क्या कुछ, 2x tan r, और ये क्या बन गया? साइन आई। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, r को एलिमिनेट करते हैं ना, क्योंकि हमें आंसर आई के टर्म में देना चाहिए, तो अपन क्या लिख सकते हैं? स्नेल्स लॉ लगाओ जरा भाई, स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे, स्नेल्स लॉ, आर के टर्म में दे देते, किसी भी एक के टर्म में दो पर आंसर, स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा? 1 साइन आई इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे अपन एक गलती और करी है ना अभी, म्यू से मल्टीप्लाई नहीं करा, समझ रहे हो? ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है इसने, ये ग्लास के अंदर करा है, यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करेंगे उसको x2 2 वाले को, ठीक है? तो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, अच्छा मुझे लग रहा है कि साइन आई को म्यू साइन आर रख देते वो ज़्यादा आसान हो रहा है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x tan r, और साइन आई को क्या रखा? म्यू साइन आर, अच्छा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, तो क्या बन गया ये तुम्हारा? साइन आर बाई कॉस आर है ना, sec r बन गया, 2 μx sec r sin स्क्वायर r, ठीक है? tan r को रख दिया, sin r बाई cos r, और ये भी देखो 2 μx sec r आ रहा है यहाँ पर भी, तो इसमें से मुझे किसको माइनस करना है? इसको 2 μx sec r sin स्क्वायर r, तो देखो कॉमन क्या आ गया, 2 μx sec r, अंदर क्या बचा? 1 माइनस sin स्क्वायर r, इसको क्या लिख सकते हो तुम? 2 μx sec r cos स्क्वायर r, एक sec r से एक cos r कट जाएगा, तो क्या आ गया तुम्हारा? 2 μx cos r, और r तुम i से निकाल ही लोगे इससे निकाल के, ठीक है? तो ये तुम्हारा आ गया पाथ डिफरेंस, पर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक चीज़ छोड़ रखी है, लैम्डा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे रेयरल टू डेंसर रिफ्लेक्शन हुआ था, कोई भी चीज़ नहीं भूलना, समझ रहे हो? तो लगाओ उसे, प्लस लैम्डा बाई 2 स्टार्टिंग से लगता हुआ चलेगा, वो प्लस माइनस तुम्हें जो लगाना है लगा दो, फर्क नहीं पड़ता उससे, तो है ना, प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। अब तुम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तुम आगे कर ही लोगे खुद से, कंस्ट्रक्टिव निकालना है तो एन लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रक्टिव निकालना है तो इक्वेट करो, मतलब एन प्लस हाफ लैम्डा से इक्वेट कर दो, इसको याद कर लेना है ना, ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो पाथ डिफरेंस ये होता है रिफ्लेक्टेड के लिए, है ना? हाँ मान लो आई बहुत स्मॉल है और ऐसी बहुत सारी लाइट्स गिर रही हैं, ऐसी बहुत सारी लाइट गिर रही हैं, तो इस वाली लाइट की 2 इसके 5 से नहीं करेगी, पर किसी और की 5 इसके 2 से कर रही होगी, और एक रे तो हम गिराते नहीं हैं, बहुत सारी बीम गिरती है ना, तो किसी और की तो इससे कर रही होगी, ये 2 और 5 नहीं कर रहे होंगे, पर किसी और इंसिडेंट की 5 वाली यहाँ पे आ रही होगी, उनके बीच में तो होगा इंटरफेरेंस। देख लो मैथमेटिक्स में कोई डाउट वगैरह है क्या? कुछ नहीं, अगर हमने एक बार x5 को निकालना था, एक बार x2 को निकालना था, ये x2 को निकाल रखा है अपन ने,